Hey, hi everyone. Once again, I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together. आज के इस सेशन में मैं आप सभी का एक कॉमन डाउट क्लियर करने वाली हूँ. नोटिफिकेशन जब तक नहीं आया था, आप जो है चिंतित रहते थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा, वैकेंसीज रिलीज होंगी या नहीं होंगी. आपको पता है रिसेंटली पीजीटी टीजीटी अनाउंस हो चुकी है वैकेंसी. पीजीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड जल्द ही सेवेंथ ऑफ फेब से आई थिंक टीजीटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी ओपन हो जाएंगे. अब आपकी एक नेक्स्ट समस्या आ चुकी है कि मैम एग्जाम कब होगा. पहले आप चिंतित थे नोटिफिकेशन को लेके और अब है एग्जाम डेट्स को लेके कि क्या एग्जाम डेट जल्द ही रिलीज करता है DSSB बोर्ड. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट DSSB जो बोर्ड है काफी अनसर्टेन बोर्ड है. इसका ये पता नहीं रहता है कि वैकेंसीज कब आएंगी, कितने ईयर के गैप पे वैकेंसीज आती हैं. अगर वैकेंसीज आ जाती हैं तो ये क्लियर नहीं करते हैं कि हम एग्जाम कब लेंगे. और एग्जाम जब लेते हैं तो ये काफी आपको एक सरप्राइज देते हैं. 20 या 21 दिन पहले, सिर्फ 3 वीक पहले ये आपको एग्जाम डेट्स बताते हैं कि हाँ अभी जो है नेक्स्ट मंथ में इतनी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है. सो इन अनसर्टेनिटी से बचने के लिए मैं काफी टाइम पहले भी आपको सजेशन देती रहती थी कि डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, तैयारी करते रहो, वैकेंसीज आएंगी. तो वैकेंसीज आ चुकी हैं और फाइनली जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं. और आई होप आप भी अब काफी एक्साइटेड हो गए पढ़ने के लिए. एक आपको टारगेट मिल चुका है कि हाँ एग्जाम आ चुका है, वैकेंसीज आ चुकी हैं और हमने फॉर्म फिल कर दिया है, अब हम तैयारी कर रहे हैं. बट स्टिल अभी भी काफी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो चिंतित हैं कि मैम एग्जाम डेट्स तो डिक्लेयर हुई नहीं है, क्या करें, एग्जाम डेट्स आएंगी उसके बाद पढ़ेंगे. ब्लंडर करने वाले हैं. ऐसा मत करना कि एग्जाम डेट्स का भी अभी वेट कर रहे हो जैसे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे. काफी टाइम आप पहले वेस्ट कर चुके हो और अभी जो है समय नहीं है वेस्ट करने का. अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है बट हम कुछ फैक्ट्स में बात करेंगे. 2021 के जब फॉर्म रिलीज हुए थे एंड आई रिमेम्बर दैट कि 10th of May जो है लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की. एंड उसके बाद जो एग्जाम हुए थे वो सितंबर में हुए थे. तो जून, जुलाई, अगस्त आपको मिनिमम जो है 3 महीने का समय मिला था फॉर्म भरने के बाद और एग्जाम के बीच में जो है टोटल 3 मंथ का गैप था. तो हम उम्मीद करके चलते हैं कुछ ऐसा ही पैटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप अगर पीजीटी के फॉर्म भर रहे हैं और उसकी लास्ट डेट है 7th of Feb, ठीक है, तो आप मान के चलिए आपके पास टाइम रहेगा मार्च का, अप्रैल का और मई का. और फिर जो है आप एग्जाम को मान के चलिए कि आपके एग्जाम जो है 1 जून से कभी भी हो सकते हैं. उसके बाद बात करें हम टीजीटी की, तो आप इसको 1 मंथ फॉरवर्ड कर दीजिए कि आपके एग्जाम जुलाई में कभी भी हो सकते हैं. बट अब अनसर्टेनिटी काफी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि पहले 3 महीने दिए थे तो अभी भी 3 महीने दें, हो सकता है कि दोनों ही एग्जाम एक साथ हो जाए. अब मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी के लिए कितना समय बचा है मैं ये आपको बताना चाहूंगी. रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना इलेक्शन प्लानर जो है रिलीज किया है, इशू किया है और स्क्रीन पे भी आपको उसका पिक्चर नजर आ रही होगी. और उसमें मेनली बताया गया है कि जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन है उनका टेंटेटिव पोलिंग डे जो है अप्रैल में है, आई थिंक 14th of April या फिर 15th of April होगा. सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 3 मंथ्स प्रॉपर देना चाहूंगी. आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी की या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम्स की, तो आप मान के चलिए आपके पास पूरा फेब का मंथ है, मार्च का है एंड अप्रैल का है. मेरे अकॉर्डिंग जो है मान के चलिए यू हैव 3 मंथ्स एंड यू नीड टू डू एवरीथिंग इन ओनली दीज 3 मंथ्स. प्रिपरेशन भी करनी है, रिविजन भी करना है. सो कैसे करें? फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ. फेथ जो है काफी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका अपने ऊपर कितना भरोसा है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है. पॉसिबल इन इटसेल्फ सेइंग दैट आई एम पॉसिबल. एंड इम्पॉसिबल को अगर पॉसिबल बनाना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि यू विल स्नैप द फिंगर एंड जो पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगी. नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, एवरी डे करनी पड़ेगी. और इन 3 महीने के अंदर कोई भी ऐसा दिन आप स्किप नहीं करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. और पढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि कभी कहीं से पढ़ रहे हो, कभी कहीं से पढ़ रहे हो. ओरिएंटेड, टारगेट बेस्ड आपका स्टडी रूटीन होना चाहिए कि आज के दिन में मैं अपने ये सब्जेक्ट्स क्लियर कर लूंगी, सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक जो है क्लियर कर लेंगे. गॉट इट? मैनिफेस्ट योर ड्रीम दैट यस
आप जो है टीचर बन गए हैं, एंड देन जितना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपकी लाइफ में उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे। एंड आई होप आपको जो है क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपके पास कितना टाइम है। मेरे अकॉर्डिंग आप मान के चलिए आपका एग्जाम अप्रैल के बाद मई में कभी भी हो सकता है। यू हैव ओनली 3 मंथ्स, डू और डाई सिचुएशन है। 3 महीने हैं, करो या मरो। करोगे तो जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, और फिर अगले साल दोबारा वेट करोगे कि मैम वैकेंसीज कब आएंगी कब आएंगी। और फिर जब वैकेंसीज का वेट कर रहे होते हो तो वैसे आपकी पढ़ाई नहीं होती है। वैकेंसीज आने के बाद आप एग्जाम डेट्स का वेट करते हो कि कब DSSSB बोर्ड जो है एग्जाम डेट रिलीज करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, DSSSB जो है आपको एक सरप्राइज देता है। वो सिर्फ 21 दिन पहले ही आपको बताता है कि हाँ अभी एग्जाम आ चुका है, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना पड़ता है। परसुएड योरसेल्फ दैट यस यू कैन डू एंड इट इज पॉसिबल विद इन 3 मंथ्स। आई एम गोइंग टू कवर एंटायर सिलेबस, आई विल डू प्रैक्टिस एज मच एज आई कैन, एंड बाकी चीजों को जो है आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपनी मेहनत पूरी करिए और दिल से करिए, जी जान लगा दीजिए। चांस को जो है इसको अपना आखिरी चांस मान के चलिए, और इनको लगता भी है कि काफी एस्पिरेंट्स का ये चांस लास्ट ही होगा, तो इधर उधर की बातों में ना फंसे। डेट क्या पता लेट हो जाए, इलेक्शन है इसलिए वैकेंसीज आ गई हैं, और एग्जाम शायद काफी लेट जाएगा, तो होने को कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जाम लेट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, जिनकी प्रिपरेशन नहीं है उनको भी टाइम मिल जाएगा। बट आप ये सोचो ना, जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है उनको भी तो टाइम मिल रहा है रिविजन करने के लिए, वो भी तो आपसे 4 कदम आगे ही चल रहे हैं। पढ़ते रहिए। और लास्ट में जो वीडियो का मेन टॉपिक था कि एग्जाम कब मान के चलें, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही आपके लोकसभा के इलेक्शन ओवर होते हैं, फॉलोइंग डे होता है, उसके बाद मई में जो है हम मान के चलते हैं कि एग्जाम कभी भी हो सकता है। आफ्टर मे आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। सो इन दैट केस यू नीड टू प्रिपेयर नाउ फॉर दीज 3 मंथ्स और 3 महीने। जी जान लगा दो, और जी जान लगाने का मतलब ये नहीं है कि सो नहीं रहे हो, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, सारे काम करने हैं, बट पढ़ाई डेली करनी है। जितना हो सके नेगेटिव एलिमेंट से बचिए। नेगेटिव एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपका हर दिन रिजल्ट पूछते हैं कि नौकरी लगी या नहीं लगी। सो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल एंड फोकस ऑन योर टारगेट्स एंड बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।